और भाई लोग क्या बोलते हैं अपनी पबजी से ना। हेलो दोस्तों, मैं उपवन देशमुख और आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्रिएटिव ऑनलाइन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर मुझे 4 दिन पहले ही मॉन्स्टर साइको गेमिंग भाई ने ईमेल करके स्क्रीनशॉट भेजे थे जो आपने थंबनेल पे देखा, उसके बारे में बात करने वाले डिटेल में। क्या इससे कोई आपको प्रॉब्लम है आपके आईडी को या नहीं, सब कुछ बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने ये वाला ट्रेजर जो नया आया है उसका अगर स्पिन नहीं देखा है तो जाकर जरूर चेकआउट कर लो गाइस। और उसी के साथ बाकी के यहाँ पर अभी बात कर लेते हैं उस स्क्रीनशॉट की। और उसी के साथ गिवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो जाओ जल्दी से यार गिवे में भी पार्टिसिपेट करो। मंडे को रिजल्ट निकालेंगे जिस दिन वीक 4 आएगा। तो गाइज ये वाला ट्रेजर सेक्शन सब कुछ हमने रिडीम कर लिया है तो जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। और यहाँ का फ्री वाला प्रीमियम क्रेड तो आपने कलेक्ट कर ही लिया होगा। तो लेट्स गो गाइज, यहाँ पर बात कर लेते हैं उस स्क्रीनशॉट के बारे में। तो देखो गाइज, मुझे पता है कि बहुत जनों के पबजी आईडी के स्टार्टिंग में आपको जब ओपन करते हो तो इस तरह का सिक्योरिटी वार्निंग आया ही होगा। बहुत जन अपने सब्सक्राइबर है जिनको ये प्रॉब्लम आया, मेरे को इंस्टा मैसेज बहुत सारे आए थे, लेकिन वही यार अपनी पुरानी वीडियोस को ही टाइम नहीं दे पा रहा था और थोड़ा घर में यार थोड़ा माहौल था। तो चलो कोई ना, यहाँ पर देख सकते हैं द बैन पैन सिक्योरिटी हैज डिटेक्टेड दैट योर अकाउंट इज करंटली एट रिस्क। तो ये सब कुछ आप छोड़ दो, मतलब पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो इंग्लिश आपको पता ही है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट भी दिया है कि ये जो मैसेज आने के रीज़न दिए हैं, कंडीशंस दिए हैं कि क्यों आया, क्या करना चाहिए, आपको एग्री और अवॉइड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं पहला रीज़न उन्होंने मतलब बोल दिया यहाँ पर कि क्या द करंट क्लाइंट इज डाउनलोडेड फ्रॉम द ऑफिशियल चैनल। तो भाई जो भी आप सबको बताइए कि मैं पबजी वाले का ही एपीके आपको दे देता हूँ हर बार जो विदाउट वीपीएन चलता है। और उससे पहले भी कुछ बंदे ना भाई ये मेरा एपीके लगभग कभी कभी जल्दी भी आ जाता है, कभी दोपहर को भी आता है अपना विदाउट वीपीएन वाला। तो लेकिन कुछ क्या करते हैं भाई, टैप टैप पे जाएंगे, वहाँ से अपडेट करेंगे, फिर आके इधर बोलेंगे भाई मेरा आईडी तो बैन हुआ, क्या करें अब। तो वही लोचा रहता है। उसी के साथ कुछ बोलेंगे भाई ओपन ही नहीं हो रहा है विदाउट वीपीएन, तो वो थर्ड पार्टी जो रहते हैं बाकी की चीजें, तो वहां से प्रॉब्लम होता है। और आपको तो पता है भाई मैं खुद यूज करता हूँ विदाउट वीपीएन, तो आपको लाइव प्रूफ के साथ ही बनाता हूँ मैं हर बार वीडियो। और देख सकते हैं यहाँ पर वही रीजन है कि अभी देखते हैं सेकंड जो रीजन बोला गया है द डिवाइस इज नॉट इंस्टॉल्ड और करंटली यूजिंग चीटिंग प्रोग्राम और अनरेस्ट्रेड ऑक्सिलरी प्रोग्राम्स। तो यहाँ पर क्या बोला है, जो हैकर जो नॉर्मली हैक यूज़ करते हैं तो वही बोला गया है कि भाई आप अपने पबजी आईडी पे हैक गीक यूज़ मत करो, आपको ये वार्निंग कोई तो एक ये चार रीजन में से कोई एक रीजन की वजह से आने के चांसेस ज़्यादा दिया है, मतलब डिटेक्ट हुआ होगा। तो गाइस यहाँ पर सेकंड रिजल्ट का तो मतलब यहाँ पर रीजन का तो आपको पता चल ही चुका होगा कि भाई आपको कोई भी तरह का कोई भी हैक यूज़ नहीं करना है अपने जो भी आईडी है आपका उसके ऊपर, तो उसकी वजह से भी आपको ये सिक्योरिटी वार्निंग आने के से ज्यादा रहते हैं। तो भले आपका टीममेट यूज करे, फिर गलती से मान लो आपका रैंडमली मैच मैकिंग हो गया, आपका टीममेट पे आपको डाउट है, तो भाई वो मैच छोड़ दो, क्या कर सकते हैं भाई। आईडी से बड़ा तो आपका मैच तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबको पता है भाई आपने बहुत मेहनत किया होगा उस आईडी पे, तो इसलिए मैं बोलता हूँ। और बंदे क्या बोलते हैं फिर बाद में उनका 7 दिनों के लिए बैन हो जाता है, कभी कभी फिर 10 दिनों के लिए, या कभी किसी का 1 साल के लिए, या कभी 10 साल तो बहुत बड़ा है, लेकिन 7 दिनों के लिए, 14 दिनों के लिए, कुछ टाइम लिमिटेड आपका अगर अकाउंट बैन होता है तो समझ जाने का आपने कोई तो गलती किया। गलती मतलब वही कि ये चारों में से कोई तो गलती हुआ है आपसे, इसलिए आपका 7 दिनों के लिए बैन पड़ा है। तो वो गलती बार मत करो, नहीं तो आपका अकाउंट परमानेंटली बैन हो सकता है 10 साल के लिए। तो समझ रहे हो। उसी के साथ यहां पर दिया हुआ है द करंट डिवाइस हैज नॉट बीन रूटेड और जेल ब्रोकन। तो भाई यहाँ पर आपका जो डिवाइस है, बहुत जन रूट करते हैं जिसमें पबजी के अंदर घुसने के लिए अंदर का वो अलग सिस्टम है, तो रूट गेट ना करे भाई अपने डिवाइस को और उसके ऊपर ना पबजी खेलो, नहीं तो फिर आपका अकाउंट बहुत रिस्की है। मतलब अगर ये डिटेक्ट कर लिया पबजी वालों ने तो भाई वो किसी के बाप की नहीं सुनती, आप सबको पता है भाई। कस्टमर केयर तो भाई छोड़ ही दो उनका, वो बोलते हैं बस हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, बस हम कुछ नहीं कर सकते, बस इतना ही कहते हैं। बाकी आप कितना भी मेल करो, कितना भी मैसेज करो, आपको रिप्लाई वही मिल रहा है। उसी के साथ जो चौथा है उसी के साथ दिया है कि नॉट यूजिंग द अकाउंट ऑफ अदर प्लेस। बट इससे पहले रूट और उसी के साथ जेपेक्स टूल वाला ऐप भी बहुत जन यूज करते हैं, तो भाई गलती से अभी देखो वो भी एक तरह से आप बोल सकते हैं चोरी या हैक ही बोल सकते हैं, क्योंकि ग्राफिक्स और फ्रेम रेट इंप्रूव होगा ज़्यादा, तो भाई कैसा है ना वो यार बैकग्राउंड में आपका ऐप रन होता है, और हैक करने वाले भी कैसे करते हैं, हैक करने वाले का भी बैकग्राउंड में ऐप रन होता है जो भी उनका रहता है, मिलता रहता है वो जो भी है, तो उसी टाइप का वो गलती से या कुछ भी हो गए जीएपीएक्स टूल से भी बहुत जनों का हैक हुआ है, मतलब ये बैन हुआ है पबजी आईडी। तो संभाल के यूज़ करो अगर आप यूज़ करते भी हो तो भाई, मुझे तो डाउट ही आता है उसके ऊपर भी, लेकिन वो गलत ही बोल सकते हैं अपन, उसे यूज़ नहीं करना चाहिए वैसे देखा जाए तो। लेकिन चलो कोई ना, बहुत जन करते भी होगे, कमेंट भी करेंगे मेरे को भाई मैं तो 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हुआ,
जो भी है भाई, आपकी मर्जी करना है ना करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन इसी के साथ जो चौथा पॉइंट था, नॉट यूजिंग द अकाउंट ऑफ अदर प्लेयर्स, तो भाई ये तो भाई ये डेंजर काम है। फिर आप अपने फ्रेंड का आईडी कैसे खेलेंगे? ऐसा बहुत जनों के मन में डाउट होगा कि भाई मैं मेरा एक मोबाइल से फिर दूसरे मोबाइल पर मैं लॉग इन कैसे करूँगा, ये भी एज अ सेकेंड प्लेयर वाला, अदर प्लेयर वाला ही यहाँ पर देखा जाए तो। लेकिन वो उसके लिए नहीं दिया इन्होंने। देखो अभी आपका पबजी आईडी हैक हो जाता है नॉर्मली, या ईमेल से हैक होता है, तो भाई ईमेल जो भी आपका होगा उससे रिकवर करने का ट्राई करो अगर आपका आईडी हैक हुआ है तो ईमेल से। तो और उसी के साथ यहाँ पर बोला गया तो इसका है भाई, अगर आपका बंदे ने हैक कर लिया किसी ने, तो आपको क्या करना है वहाँ पर कि देखो मानो आपका आईडी अभी जैसे नॉर्मली हैक किया किसी ने और उसके ऊपर आपको वो आईडी को बैन करवाना है, तो आप रिपोर्ट मार के बैन करवा सकते हैं क्योंकि वो आपका अभी आईडी नहीं रहा और उस हैकर ने आपका आपसे छीन लिया है, तो भाई आप उसे आईडी को बैन करवा सकते हैं। तो ये उसी के लिए ऑप्शन दिए लगता, तो यही है एग्री एंड अबेड। और उसके साथ फिर आप नीचे देख सकते, इफ यू फाइंड दैट एनी ऑफ द सिक्योरिटी कंडीशन अबव आर नॉट ट्रू, प्लीज यूज द डिवाइस एंड क्लाइंट इज agreeable to the terms of the gaming। और ये सब कुछ अगर आपका यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन में नहीं आता है, मतलब कुछ भी ये चारों में से कोई भी रीज़न आपका PUBG ID में होता नहीं है, घटता नहीं, तो बस एग्री करो और PUBG खेलो भाई आराम से, और ये चारों में से चीज़ों को छेड़ो मत कोई। तो यही है सिक्योरिटी वार्निंग का, यही बस रीज़न है यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब ये वार्निंग आता है। तो भाई लोग मेरे ख्याल से आपका समझ में आ चुका होगा, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। तो बस भाई लोग यार आज की इस वीडियो में यही था, और अगर कुछ भी ना आता है तो यार आपका भाई आपके लिए जरूर लेकर आएगा, और कमेंट करके जरूर बता देना आज का वीडियो आपको कैसे लगा और किसके किसके साथ ये वाला प्रॉब्लम हुआ है, कमेंट करके जरूर बता देना। और ज़्यादा टेंशन मत लो, आपका आईडी को कुछ होने वाला नहीं है, जस्ट वार्निंग आया है। और उसी के साथ गाइस यहाँ पर अपना रॉयल पास का गिवे चालू रहता है वीकली, तो अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो करो, परसों सुबह गिवे का रिजल्ट मिल जाएगा जिस दिन रॉयल पास के न्यू मिशन आते उसी दिन। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।